वाली है तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नाला सपारा के तुलंज में आज एक बार फिर एक डंपर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। नाला सपारा अंतर्गत और पूरे वसई विरार अंतर्गत एक्सीडेंट की हर कुछ दिनों में घटनाएं सामने आती रहती है। ज्यादातर बार एक्सीडेंट के कारण होते हैं टैंकर, लेकिन आज एक टैंकर नहीं बल्कि डंपर कारण था। अब जो विजुअल और तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें हैं नाला सुपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले राधा कृष्ण होटल के पास लगे सिग्नल की, जहां सिग्नल पर यह महिला जिनका नाम प्रमिला राहट है, जो कि एक प्राइवेट संस्था में कर्मचारी थी, वो जब संस्था से अपने घर की तरफ जा रही थी तब डंपर की चपेट में आई। डंपर ने महिला को चपेट में लिया और महिला की मौत हो गई। कई बार वसई विरार अंतर्गत बेकाबू होकर दौड़ते ये भारी वाहन लोगों की जान के दुश्मन बने रहते हैं। उसके बावजूद प्रशासन इन भारी वाहनों को दिन में क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने के लिए, प्रवेश बंदी के लिए कोई ऐसा नियम कानून कायदा नहीं ला रही है। ये एक बड़े विचार की बात है। आपको बता दें, ये घटना आज दोपहर की है और इस घटना में एक की मौत हुई, जो हमने अभी बताया, प्रमिला राहट है। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए और वो लोग, उन्होंने आक्रोश में डंपर के कांच फोड़ दिए, जो आप विजुअल में देख सकते हैं। नंबर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। देखिए इस घटना से जुड़े हुए ये पूरे वीडियो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। चलो भाई, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। उधर पूरा ऐसा ही लावारिस के जैसा पड़ा था। वो पुलिया इधर देखने आ रहा है, वो बच्चे लोग को हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786